लास्ट टाइम पर खबर आ गई थी कि बालवीर का सनफॉर हमसे को इस मंथ देखने को मिलने वाला है। अब कब से देखने को मिलेगा ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि सबसे उसके आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हम देखते हैं कि बालवीर की फ्रेंचाइजी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है जिसे शायद आगे भी ब्रेक ना लगे और ऐसे ही सीजन हमसे को आगे भी देखने को मिले। यहाँ पर अगर ऐसे ही ट्रेन चलती रही तो आने वाले टाइम पर बहुत सारे सीजन आपसे को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप सबको टीआरपी भी लानी पड़ेगी, तभी जाकर बालवीर के आने वाले सीजन ब्लॉकबस्टर साबित हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया था कि मार्च अप्रैल तक ये शो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सब टीवी के काफ़ी सारे शोज अभी ऑफर जाने वाले हैं। आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि ध्रुतारा शो अभी बिल्कुल भी ऑफर नहीं जाने वाला है। अब ऐसा पता चला है कि ध्रुतारा शो को एक नया टाइम स्लॉट मिल सकता है जो 7:30 और 7 बजे का हो सकता है। जब बालवीर का सनफॉर आना होगा तब इस शो की टाइम स्लॉट को चेंज कर दिया जाएगा। ध्रुतारा शो भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और इस शो को भी काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन मिला हुआ है। अब देखने वाली ये बात है कि बालवीर को किसी नए टाइम स्लॉट पर भी स्टार्ट किया जाता है फिर भी उस शो की टीआरपी काफ़ी ज़रा कम आती है। अब बात यह है कि फैंस इस शो को पुराने इस टाइम स्लॉट पर देखना चाहते हैं, बालवीर 1 हो या फिर बालवीर रिटर्न्स, इस शो को भी 8 बजे के टाइम स्लॉट पर ही लाया गया था। सभी लोग बालवीर को 8 बजे ही क्यों देखना चाहती, इसकी वजह यह है कि 8 बजे के टाइम स्लॉट पर सभी लोग फ्री होते हैं। भले ही बालवीर शो बच्चों के लिए बना था लेकिन सभी लोग इस शो को देखते हैं। आपको अगर पता हो तो हमने आपको बताया था कि बालवीर के काफ़ी सारे एपिसोड जो शूट हो चुके उन्हें अभी तक टेलीकास्ट नहीं किया गया है। 3 एपिसोड को जब टेलीकास्ट किया जाएगा तब अगर इस शो की टीआरपी काफ़ी अच्छी हमसे को देखने को मिली तब सब टीवी इस शो को ऑफर नहीं करेगा और आने वाले टाइम पर इस शो का सन 5 भी हमसे को देखने को मिल सकता है। अगर आप इस शो के सन 4 को देखना चाह रहे हो तो आप लोग अभी से डिमांड करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।